क्लास नाइन के बच्चे ध्यान दें, आज से आपका जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है और हम आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में आज हम सबसे पहला चैप्टर बात करते हैं उसके बारे में। तो जो सबसे पहला चैप्टर है उनको उसमें पढ़ना है कोशिका। कोशिका क्या है? ठीक है, अगर हम कोशिका के बारे में, अगर कोशिका का हम डेफिनेशन कहें तो कोशिका हमारे जीवन की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं से ही विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो कोशिका हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, एक यूकैरियोटिक कोशिका होता है। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में एक कार्क के टुकड़े में देखा था। कार्क मतलब होता है एक लकड़ी का गुटका। ठीक है, उन्होंने उसमें देखा कि यह जो कोशिका थी मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। आप अगर मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे तो देखिए किस टाइप में होता है मधुमक्खी का छत्ता, जरा गौर कीजिएगा। इसी टाइप्स का हमारा जो होता है मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी हाइवी जो होता है ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो
ठीक आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसे ही मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो उन्होंने जब देखा था तो उन्होंने ऐसे ही देखा था, उन्होंने बस इसको स्योरली एकदम सटी इसका लगा नहीं कर पाया था। उसके बाद जब कोशिका का अध्ययन किया गया प्लांट सेल का जब अध्ययन किया गया रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने सन 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया। और इसकी संरचना संगठन सारे केंद्र संगठन इत्यादि का अध्ययन किया। तो कोशिका के एक प्रकार की बात करें तो जो कोशिका होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जीवित कोशिका एक खोज एंडोरिमा लेनहार्ट ने किया था जिसे ओबे 1831 ईस्वी में किया था, 1832 ईस्वी में हुआ था उसका जीवाणु ईस्वी करते हैं जीवाणु कोशिका की खोज। जीवाणु कोशिका की खोज एंडोरिमा लेनहार्ट ने किया था, या कहें तो जीवित कोशिका को सबसे पहले एंडोरिमा लेनहार्ट ने किया था। इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाता है एंटोनिमा लेवेनहार्ट को। अब इसके बाद जब हम एक कोशिका की संरचना देखते हैं तो हमें इस टाइप का दिखाई देता कोड़ी कोशिका भित्ति सीधा हुआ है, प्लांट सेल को मैंने बताया था प्लांट सेल की बात किए थे। जो कोशिका है अगर हम उसके प्रकार की बात करें प्रकार टाइप्स ऑफ सेल की तो कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है प्रो मतलब होता है पहले, कैरियर माने केंद्र के, यानी ऐसी कोशिका जो केंद्रक से अगर कहें तो परिपूर्ण नहीं थी, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या ऐसी कोशिका जो सबसे पहले आई थी जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वह होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनका सबसे मुख्य कार्य यह है कि इनमें सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इनमें जो राइबोसोम होता है जो राइबोसोम है वह 70 या इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, इनमें राइबोसोम 70 एस प्रकार का होता है। ठीक, इनमें जो श्वसनांग होते हैं वो मेसोसोम कहलाते हैं। समझा? जो श्वसनांग होते हैं वो मेसोसोम कहलाते हैं। जैसे हमारा आता है जीवाणु,
जीवाणु। अब हम एक जीवाणु कोशिका की पहले बात कर लेते हैं। जब हम एक जीवाणु कोशिका का अध्ययन करते हैं
ठीक है। ये हमारा इस बार उसका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करें तो देखिए उसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहले बात तो हम ये देख रहे हैं कि दो परतों से बना हुआ है, जिसके सबसे बाह्य परत पर पीली है जो रोई के समान संरचना बाल के समान संरचना होता है या दूसरे बैक्टीरिया से चिपकने में सहायता प्रदान करता है प्रजनन के समय। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें कसाब दिखाई दे रहे हैं। कसाब का अगर हम बात करें तो लोकोमोटरी अंग होता है यानी प्रचलन अंग होता है, ठीक है। जो कसाब है ये इनके मूवमेंट में सहायता करता है। आगे देखिए इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, प्लाज्मिक है एक प्लाज्मिक है और एक सूत्रीय गुणसूत्र है। तो सूत्रीय जो गुणसूत्र होते हैं धागे के समान संरचना का होता है जो इनके अनुवांशिक मटेरियल का काम करता है, अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। और एक प्लाज्मिक है, प्लाज्मिक इनके संयुग्मन में काम आता है रिकॉम्बिनेशन में, जो गोल सर्कुलर डीएनए होता है वो प्लाज्मिक का रहता है। और इसमें हम देख रहे हैं एक अंगुली के जैसे समान दो संरचनाएं आपस में एक जगह दिखाई दे रही है जिसको मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम इनका श्वसनांग होता है और ये देख रहे हैं लिखा गया है श्वसन श्रृंखला। तो श्वसनांग में जब श्वसन होता है तो श्रृंखला क्या है चेन के आधार पर चेन की तरह दिखाई देता है। अब उसमें हमें राइबोसोम दिखाई दे रहा है। तो जो राइबोसोम होता है यह 70S प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम बात के लिए जीवाणु कोशिका की यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की हमारी इतना इनको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे यानी अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आप ध्यान से पढ़ें, पढ़ाई पर ध्यान दें।